गाइस सिर्फ 1 वीक मुझे फॉलो कर लीजिए, आपके डार्क सर्कल बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इनफैक्ट डार्क सर्कल ही नहीं, अगर आपके आंखों के नीचे की स्किन बहुत ज्यादा अंदर धंसी हुई है आपकी आंखें, और या पफिनेस की समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं उनकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई लगती है, ये जगह बहुत हेवी हो जाती है, या फिर इस कॉर्नर्स में आपके रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कत आपकी खत्म होने वाली है, ट्रस्ट मी, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक में। और लगातार अगर आप इसको करते रहेंगे तो फ्यूचर में भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपकी एज 10 इयर्स की है या फिर 70 इयर्स की है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हर कोई फॉलो कर सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज है यार, कोई पर्टिकुलर चीज थोड़ा बता रही, लड़की है उनको ये लगाना तो खूबसूरत हो जाएंगी। एक्सरसाइज हर इंसान के लिए और हर उम्र का व्यक्ति फॉलो करके अपनी स्किन को खूबसूरत और जवान बना सकता है, तो देरी किस बात की। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर ले सकते हैं या फिर मिडल फिंगर ले सकते हैं, कोई भी फिंगर आप अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए। मुझे कन्वीनियंट है अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ में। आपको अपनी आईज के यहाँ पर इस कॉर्नर पर आपको टच करना है, इस तरीके से प्लेस करना है और हल्का सा प्रेशर देना है। कितने सेकेंड्स के लिए? 5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। अब पहले मैं बता देती हूँ उसे बेनिफिट होगा क्या, ठीक है। आपने 5 सेकंड्स के लिए प्रेशर देना है, 10 सेकंड का रेस्ट देना है, फिर आपने इसको प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी कम से कम आपको इसको 5 से 10 बार करना है। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं मॉर्निंग कर रहे हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट होगा वैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, बहुत ही हल्का आपने प्रेशर देना है। यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देने से क्या होता है, आपके आंखों के जितने भी डार्क सर्कल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपके यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो यहाँ पे आपके जितना भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और यहाँ की सेल्स जो हैं, यानी आपकी जो मसल्स हैं बिल्कुल डैमेज हो गई हैं, तो वो रिजेनरेट होती हैं, जिससे कि आपके आईज के नीचे जो रिंकल फाइन लाइंस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो प्लीज इसको फॉलो करें। तो मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, आपको कम से कम इसको 10 से 12 बार करना है। रिलैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या करना है, जो हमारा अंगूठा होता है ये, इसके यहाँ का जो स्पेस है, आप ये देख रहे हैं स्पेस, ये वाला, आप इसके लिए फिंगर भी यूज करते हैं लेकिन फिंगर में ना कम स्पेस होता है। तो हमें क्या करना है, जब भी आईज की कोई एक्सरसाइज करनी है तो उससे पहले ऑयलिंग कर लेनी है, हमें अपने आईज के यहाँ पे ना अच्छे से ऑयल लगा लेना है और उससे मसाज कर लेनी है इस एरिया में, जिससे क्या होगा हमारी स्किन जो है ऑयली हो जाएगी और अच्छे से हमारी जो फिंगर्स है एक्सरसाइज अच्छे से मूव कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी, क्योंकि जब हमारी आईज के नीचे ड्राइनेस होती है तो एक्सरसाइज ठीक से हो नहीं पाती और रिंकल फाइन लाइन जल्दी आने लगते हैं, ठीक है। तो आपने इस एरिया से थंब के इस एरिया से आपने इस तरीके से प्रेशर देना है, खींचते हुए आपको इसको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, इस वाले एरिया से आपको यहाँ पे प्रेस करना है थंब से और इसको ऐसे खींचते हुए पीछे लेके जाना है, बहुत हल्के हाथों से, प्रेशर से नहीं, अंदर से बाहर की तरफ ऐसा। आपको कम से कम 10-15 टाइम्स करना है और फिर 5 सेकंड्स का रेस्ट देना है, देन दोबारा इस प्रोसेस को कम से कम आपको 20 बार करना है। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से चिटचैट कर रहे हैं, काम से जरा सा फ्री हुए, किचन के काम से या ऑफिस के काम से फ्री हुए तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको ट्रस्ट मी कोई भी क्रीम्स आई डार्क सर्कल्स के लिए फ्यूचर में कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी आईज बहुत ब्राइट रहेंगी और बहुत इफेक्टिव रहेंगी। इस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके लिए आपने क्या करना है, टैपिंग करनी है, आपने ये 2 फिंगर्स लेनी है, इस तरीके से आपने सर्कुलर मोशन में टैप करना है अंदर से बाहर की तरफ, पहले क्लॉकवाइज फिर हम इसको करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, बहुत हल्का हल्का टैप करना है आपने। इससे आपके यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस होते हैं, आपके डार्क सर्कल रिड्यूस होते हैं, आपकी आईज ब्राइट होती हैं और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एज नहीं होती लेकिन यहाँ की स्किन लटकने लगती है, ढीली पड़ने लगती है ना, या बहुत ज़्यादा सूज जाती है जो बहुत ही ख़राब लगती है, तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करेगा।
ऐसा आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है। आप 10 टाइम्स करिए, 5 सेकंड्स का रेस्ट लें, उसके बाद फिर से इसको प्रोसेस को करें। जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके डार्क सर्कल्स को, और स्पेशली यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह की लाइंस हमारे जो है आईज के पास बढ़ने लगती हैं साइड पे। हमारी एजिंग नहीं होती, लेकिन बहुत लोगों की लाइंस आने लगती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा खराब लगता है, लगता है हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। और बहुत लोगों की नहीं भी आती, बहुत एजेड हो जाते हैं, उनके यहाँ पे लाइंस भी नहीं आती। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको आज से ही, चाहे आपकी 10 साल की एज है, 15 साल की है, 20 साल है, 25 साल है, आपको इस एक्सरसाइज को, इन सारी एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपको क्या करना है, ऐसी इस जगह पे आपको फिंगर प्लेस करनी है। एक फिंगर आप यहाँ रखेंगे, दूसरी यहाँ, इनके बीच में इतना गैप रखेंगे, और आपको इसको धीरे धीरे स्क्वीज करते हुए पीछे ले जाके इस तरीके से प्रेस करना है। आपको अपने फीचर्स जैसे इस तरीके से स्ट्रेच आउट करना है अपनी मसल्स को। बहुत जोर से पुल नहीं करना, आपकी आईज हैं बहुत सेंसिटिव हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को, स्टेप्स को बहुत डेलिकेटेड तरीके से, बहुत ही सॉफ्टली तरीके से इसको प्रोसेस को फॉलो करें। आपको कम से कम इसको 10 टाइम्स रिपीट करने के बाद 5 सेकंड्स का रेस्ट देना है, देन दोबारा इसको प्रोसेस करना है। तो जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो आपकी यहाँ की लाइंस, यहाँ की अंडर आई की जो लाइंस रिंकल्स आने लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम आपको 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फ्यूचर में आप नोटिस करेंगे कि आपकी एज जितनी मर्जी ज़्यादा बढ़े, लेकिन आपके यहाँ पे लाइंस आने की प्रॉब्लम, रिंकल्स आने की प्रॉब्लम एटलीस्ट आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी के बारे में, जो बहुत इफेक्टिव है, जो जायफल होता है। जायफल आपको परचून की दुकान से इजिली मिल जाएगा। जायफल जो होता है उसको आपको हल्का सा पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिला के घिस लेना है। घिसने के बाद उसमें कच्चा गाय का दूध आपने मिक्स करना है, उसका पेस्ट बनाना है आपने। ठीक है, पेस्ट बना के आपको अपनी आई एरिया में लगाना है, और कम से कम आधे घंटे बाद उसको ठंडे पानी से धो लेना है। जैसे ही वो सूख जाए, ड्राई आउट हो जाए, उसको आपको वॉश कर लेना है। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है। ठीक है, हो सके तो जब आप घर पर होते हैं नाइट में, उस टाइम आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, जिससे कि आपका ना ही तो बाहर जाना होगा, ना ही आप धूप के कॉन्टैक्ट में आएंगे, जिससे कि आपके डार्क सर्कल्स, पफिनेस और रिंकल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या फॉलो करनी है, आपको हेल्दी डाइट इनटेक करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हेल्दी डाइट को स्किप करके जंक फूड ज़्यादा इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन समय से पहले बूढ़ी लगने लगी है और कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम्स आने लगी है। इसके साथ साथ पानी का रेशो आपने अच्छा लेना है। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। आयरन जिसमें ज़्यादा होता है वो फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेने हैं, वो डाइट आपको ज़्यादा लेनी है, जिसके लिए आप ग्रीन वेजीज ले सकते हैं, जैसे पालक हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स का आप सूप पी सकते हैं, आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी ना, तो उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, क्योंकि आयरन मेन रीज़न होता है। जब खून की कमी होती है तो आपकी आँखें झुर्रियों से भर जाती हैं, पफिनेस आने लगती है, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, और किसी भी चीज़ की मेडिसिन, क्रीम्स जो आर्टिफिशियल मार्केट से मिलती हैं, उनको मत यूज़ करें। वो अल्टीमेटली वो केमिकल होता है, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक ठीक, और उसके बाद आपकी आईज़ की और बुरी हालत कर देता है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।